दर्शक बंधु चाइना माल ए संबंध में आम समस्ते अभिज्ञ बहु समय थट्टा मजाक भी आम चाइना माल प्रसंग उत्थापन करू एवं आम यह चलिए वर्षे न चलने घंटाए संभवतः यार आहुरी स्पष्टीकरण एमती बाटर दि जाऊ खोद चाइनारे दुई दुईटी रकेट लंच मझी आकाश में पुनर्बार ध्वंस पाइबा जनसाधारण अंचल पड़ा एवं सबुठ एक विचित्र खबर जहाँ आसी पहुंची मोटामोटी भाव चाइना निर्माण करुवा दाबी करुवा महाकाश यात्रा रे एक बड़ देश बोली निजकु डिंडिमो पिटुवा चाइनार लगातार रकेट्र सफल परीक्षण हो पारना एवं अधा आकाश रे चाइना रकेट झड़ जाऊवा संभवतः चाइना माल परी एहाकु तुलना करा जाई पारे। निकट रे तियानलांग 3 नामक एक रकेट को चाइना लंच करथिला छाड़ीथिला उत्क्षेपण करथिला किछि बाट गला परे एहार तल भागटी खसी जाइथिबा बळे उपर भागटी आउ किछि उपर को जाई तळरे थिबा वैज्ञानिक मानंको कंप्यूटर संयोगीकरण रु बाहर को चली जाइथिला एवं धीरे धीरे एहा खसीबाकु लागिला एवं मोटामोटी भाबरे एहार वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल होबारे लागिछ। एहार अल्प दिन पूर्वरु आउ एक रॉकेट को चाइना उत्क्षेपण करथिला जून 22 रे एवं संभवतः एही रॉकेट मध्य सेतबेले आकाश को उठित गला किंतु अधा बाटरे एहार यांत्रिक त्रुटि देखि यह खसवाक लगला और खसला तो क्योंकि एक जनबसती अंचल कहर जो वीडियो वायरल होबार लगी लोक मैंने मंडारीन भाषा तो कथा होते कि जितेबाला सोशल मीडिया को यह पहुँचला से मंडारीन भाषा को ट्रांसलेसन कर लोक जापारे कि रकेट्रे अनेक प्रकार रासायनिक एमती सामग्री रही जहाँ आखपाखर गाँ लोक स्वास्थ्य खराब करदेव यह सबुबले चाष उपयोगी जमी को बर्बाद करदेव मोटामोटी भाव एवं ग्यास संभवतः प्राख आखर परिवेश को भी नष्ट करदेव एवं संभवतः एभली भाषा ट्रांसलेसन करनेक गुड़े खबर सामना को आसी किसी लोक यह भी कहते कि यही घटन फोटो तो उठाओ किंतु यहाँ सोशल मीडिया अपलोड कर ना अर्थात से मैंने भी सचेतन कि चाइनार गणमाध्यम सरकारी कंट्रोल रे रहुथिबा दृष्टिकोण रु एहार अनेक खबर बाहर को आसी पारु नथिले मध्य एथिरे केते जनसाधारण को क्षयक्षति होईचि केते जिनस बर्बाद होईचि संभवत ए खबर मिलिबा अत्यंत कष्टकर एभली हेउचि काहे लगातार चाइनार वैज्ञानिक माने परीक्षण करुचंती एहा को लैबोरेटरी रे उत्पादन करुचंती उत्क्षेपण करुचंती परवर्ती अध्याय रे आकाश रे जाई एहा नष्ट हे जाउची। भारत परिप्रेक्षी जदि आम चिंता करिबा ताहले संभवतः भारत रे एभली कोनोसी घटना सहजरे हुए नाही कारण हला भारत रे एमिती एक परिस्थिति जदि आमर कोनोसी जागा रे सफलता मिले आमे समस्त मिसी एहाकु पालन करथाउ जदि आमे वर्तमान रो वर्ल्ड कप को देखिबा सारा भारत एथिपई झुमी उठिला जदि कोनोसी जिंसर आमे विफल हो आमे समस्ते एहार तर्जमा खोजु एहाकु निंदा करू तेणु आम बोधे हुए हेई परिथंता आदि इत्यादि संभवतः भारत वर्ष रे आलोचना हुए ना तेणु निंदा करिबा बा भूल त्रुटि खोजिबारे चरम सीमार भारतीय माने पहुंचुवा बेले सफल हबारे मध्य भूयसी प्रशंसा करिबारे माने पछंती ना एवं भारत रे एभली सहजरे हबो नाही एहार कारण हला कि भारत यथासंभव जेतेबेले भी कोनोसी क्षेपणास्त्र रकेट को उत्क्षेपण करे बा परीक्षण करे एहाकु सामुद्रिक तटरे करिथाय कारण आसंता काली जदि एथिरे यांत्रिक त्रुटि देखा जाए ताहले एहा समुद्र रे पतित होबो अति बेसी रे जदि बहु भाग्य खराब थिबो संभवतः भारत रु उत्क्षेपण करा जाइथिबा क्षेपणास्त्र बा रकेट कोनोसी एक पण्यवाही जहाज उपरे पड़ी पारे समुद्र रे थिबा बेले किंतु एहार चांसेस मध्य बा सुजोग मध्य अत्यंत कम रहिथाय तेणु एभली क्षेत्र रे आमर परीक्षण रे विधि संपूर्ण भिन्न होता बेले चाइना किंतु मोटामोटी भाव निजर मध्य भागर यह उत्क्षेपण करथाए समुद्रकूल बहु दूर से चाइना यह उत्क्षेपण करनबसती रकेट पड़ा कि नुआ कथा नुह किंतु एक खबर बाहर को आसवा संभवत दुरूह व्यापार तेरे एजावत तो चाइना यही रकेटर विफल परीक्षण नहीं कौन प्रकार बयानबाजी करना कि मोटामोटी भाव संभवतः व्यापक क्षयति होवार अनुमान एथिरे निर्गत विषाक्त ग्यास आखपाख अंचल को निश्चित मात्रा रे दूषित करिबो संभवतः एही आकलन करा जाउछि। अपर क्षेत्र रे भारतर इसरो मुख्य एक घोषणा मध्य करिछन्ति कि आगामी दिन रे भारत एक बृहत्तम रकेटर निर्माण आरंभ करिबाकु जाउछि जहार ओजन हबो 40,000 किलोग्राम। भारत निजर एक स्पेस स्टेशन निर्माण करिबा पई एबे योजनाबद्ध तरीका रे कार्य आरंभ करि देलानी आगामी दिन रे चंद्रपृष्ठ को भारतीय मानन को महाकाश जारी करी
ଉପରକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଇସ୍ରୋକୁ ଏଭଳି ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରକେଟ୍ ଜରିଆରେ। ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରୋ ସଚେତନ ଥିବାବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ବିରାଟ ରକେଟ୍ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରି ସାରିଛି। ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ର ଯଦି ଆମେ ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଦେଖିବା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତିରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଏହାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣର ଶତକଡ଼ା ସୁଯୋଗ ଯଦି ଦେଖିବା 90ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଇନାରେ କିନ୍ତୁ ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣର ବିଫଳତା ଦେଖିଲେ ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାମଲା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।